हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे 2 चम्मच दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे बेसन, 2 चम्मच डालने के बाद इसको दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद इसमें डाला मैंने गरम मसाला और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने डाला हल्दी, नमक और ये धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमें। इसमें डालूंगी मैं काला नमक 1/2 चम्मच और इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और इसके बाद डालेंगे इसमें सरसों का तेल 1 चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। नींबू को अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे हम इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें सारी वेजेस ऐड कर देंगे। ये क्यूब्स में कटी हुई प्याज, जिंजर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च। पहले हम इन सबको अच्छे तरीके से मैरिनेट में मिक्स करेंगे। पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को हल्के हाथों से ही मैरिनेट करेंगे ताकि ये टूटे ना और अच्छे तरीके से इसमें मसाले मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कस्तूरी मेथी, उसको साइड रख देंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेट को छोड़ दिया था। अब हम इसको टूथपिक में सबसे पहले शिमला मिर्च, फिर आनियन, फिर पनीर, फिर वही हमको फिर से शिमला मिर्च और प्याज लगाना है इसमें। ये इससे निकलेगा नहीं, सपोर्ट बना रहेगा पनीर में। अब मैं एक और बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें भी सेम करना है, शिमला मिर्च और प्याज, पनीर और इसमें आनियन लगा के हमको ये दूसरा भी हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं ले लूँगी पैन, इसमें डालूँगी मैं सरसों का तेल। इसको अच्छे तरीके से हम गरम कर लेंगे। सरसों का तेल यूज़ करने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा, इसलिए आप भी इसी का यूज़ करें। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे पनीर टिक्कों को। इनको हमको चारों साइड से पकाना है, मतलब ताकि कोई भी कच्चे ना रहे। बीच बीच में हमें पलटाते रहना है इनको, तेल को यूँ फैलाना है इसमें। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसको पलटाते रहना है ताकि पनीर टिक्के जले ना और हमें चारों तरफ से इसे अच्छे तरीके से पका लेना है।
बीच बीच में आपको देखना है कि कौन से साइड नहीं पका है, तो उस साइड से पनीर टिक्कों को पलटना है। मैंने चारों साइड इसकी अच्छी तरीके से कुक कर ली है। बस थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें, इसके बाद हमारे पनीर टिक्के तैयार हो जाएंगे। थोड़े थोड़े से कोने में रह जाता कहीं कहीं पे, तो उसको देख लें आप और अच्छे तरीके से इसको कुक कर लें। तो यहाँ पर हमारी पनीर टिक्की तैयार है, तो मैं इसको सर्व कर लूँगी प्लेट में। और अब इसको, इसके ऊपर आप चाट मसाला छिड़किए, बहुत ही यमी लगता है ये, एकदम होटल जैसे। हमारी पनीर टिक्का तैयार है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इसको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।